स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय को बताएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू तथा माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। इनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। 1916 ईस्वी में नेहरू जी का शादी कमला नेहरू से हुई। नेहरू जी का जन्म बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी को
नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। बच्चे ने प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं, नेहरू जी ने लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। सन 1921 ईस्वी में वे इलाहाबाद में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत का विरोध करते हुए अपने पिता के साथ प्रथम बार जेल गए। किंतु कभी भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कारावास में रहकर अनेक पुस्तकों की रचना की थी। मेरी कहानी विश्व इतिहास की झलक
भारत की खोज, भारत की खोज उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अंत में 15 अगस्त सैतालीस को देश स्वतंत्र हुआ। देश स्वतंत्र हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। मंत्री बने 27 मई 1964 ईस्वी को स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनका मृत्यु हो गया। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।